سلامون علی آل یاسین. अल्लाह अकबर. भाई साहब की आवाज नहीं पहुंची होगी आप तक. जमीन को लर्जा देने वाला सवाल किया है उन्होंने मुझसे. वो कह रहे हैं जो कुछ आप हमें बतूल की अजमत बता रहे हैं क्या नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई थी. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. मैं बशर हूं, तकलीफ भी है, थक गया हूं, लेकिन मेरे मौला का बहुत बड़ा जाकिर है साबिर हसन शाह. सवाल किया है तो बस एक जुमला जवाब के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, वही मेरा जवाब है, वही मेरा मसाइब है और वही मेरी दलील है. रसूल ने तो ऐसा बताया, मस्जिद जाते हुए पहले बेटी की दहलीज में रुकते हैं, जब मस्जिद से वापस आते हैं फिर बेटी की दहलीज में रुकते हैं, और लाहौर वालों फकत रुकते नहीं, सलाम करते हैं, फिर इजाजत मांगते हैं, इजाजत है अंदर आऊं. बेटी दरवाजे पे आती है, बाबा को अंदर ले जाती है. जो जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का दिल है उसके लिए है जुमला. एक दिन कई काम कर रही थी बतूल, बिला तश्बीह चक्की भी चला रही है, पांव की उंगलियों में गहवारे की डोर फंसा के हुसैन का झूला भी झूला रही है, दूसरे हाथ से तस्बीह भी कर रही है बिला तश्बीह. अचानक चक्की के दस्ते से बीबी ने हाथ हटाया ना तो दस्ता सुर्ख नजर आया. तुम तो फकत रोए हो ना, जब दस्ते पे सुर्खी नजर आई हूरों ने मुसल्ले छोड़ दिए, फरिश्तों ने तस्बीहें फेंक दी. पालने वाले जन की जूतियों के सदके तूने कायनात बनाई. बतूल इतनी मुशक्कत करे. अल्लाह ने कहा इस तरह में ना हो, मैं अपनी कनीज पे नींद गालिब करता हूं. जिब्रील तुम मिकाइल और इसराफील को ले जाओ, एक चक्की चढ़ाओ, एक हुसैन का गहवारा जुम्बानी करो, एक तस्बीह पढ़ो, इसके होबदारों के नाम आमाल में लिखो. नींद गालिब की अल्लाह ने. नमाज से फारिग होके बाबा आ गया दरवाजे पे. अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुवा, इजाजत है अंदर आऊं. फिजा दौड़ी दौड़ी आई, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी सो रही है, चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता, तस्बीह के दाने गिर रहे हैं, फिराने वाला नजर नहीं आता, गहवारा जुम्बिश में है, झुलाने वाला दिखाई नहीं देता, कहें तो जगा दूं बतूल को. नई फिजा जिसे वो सुलाना चाहता है, मेरी क्या मजाल उसे मैं जगाऊं. सोने दो, फिर यार सुला अंदर आ जाइए. फरमाया जब तक बतूल इजाजत न दे. इजाजत ना दे अंदर कैसे आऊं. अच्छा यार सुला घर चले जाइए, जागेगी बुला लूंगी. फरमाया वो नाराज हो जाएगा, घर भी नहीं जा सकता. गुजरता रहा वक्त, खड़ा रहा रसूल, बढ़ती रही गर्मी, टूटती रही पसीने की लड़ियां. दोपहर के करीब बतूल जागी, फिजा को दौड़ते हुए देखा. फिजा खैरियत? फिजा ने मुंह पीट के कहा 6 घंटे हो गए तेरा बाबा दरवाजे पे खड़ा है. अल्लाह अकबर अल अजमतुल्लाह अल अजमतुल्लाह. 6 घंटे बस खत्म कर दी मैंने मजलिस. जैसे नशे में पानी आता है ऐसे आई.
बाबा को अंदर लाई, बिला तश्मी अपनी चादर ततीर से बाबा का पसीना भी पहुंच रही है। रोगे करिए, बाबा कोई ऐसे भी करता है भला? इस गर्मी में 6 घंटे का बतूल उम्मत को दिखा रहा हूँ कि जहां मैं 6 घंटे खड़ा रहा हूँ वहां आग लेके नाना उस दरवाजे को जलाने की धमकी न देना। ये ताक मेरी बेटी के पर